नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल। भारत और नॉर्थम्पटन शायर के बीच दूसरा T20 वार्म अप गेम, जो भारत का दूसरा T20 वार्म अप गेम होगा और नॉर्थम्पटन शायर का पहला वार्म अप गेम होगा, जो नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा ठीक शाम 7 बजे, यानी कि 3 जुलाई की शाम 7 बजे से भारत और नॉर्थम्पटन शायर के बीच जो T20 वार्म अप गेम होने वाला है, जो भारत और इंग्लैंड की सीरीज से पहले का एक तरह से अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस गेम है, जहां पर भारत अपनी पूरी जो आजमाइश कर रही है पूरी बेंच स्ट्रेंथ को, और वहां पर कप्तान होंगे दिनेश कार्तिक, क्योंकि हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और ईशान किशन जैसे जो समेत सीनियर प्लेयर्स है उस स्क्वाड में, उन्हें रेस्ट दिया गया है उस पूरे मैच में, और इसलिए दिनेश कार्तिक ने पहले मैच में जब भारत डर्बीशायर के खिलाफ उतरा था तो वहां पर दिनेश कार्तिक ने कप्तानी की थी और भारत ने 7 विकेट से एक आसान जीत जो है हासिल कर ली। वहां पर दीपक हुड्डा उस मैच में जो चमके थे, उन्होंने शानदार अर्धशतक जमाया था, साथ ही साथ संजू सैमसन ने भी एक ठीक ठाक पारी खेली थी, और उसके बाद भारत ने जो है आसानी से 3 विकेट के नुकसान पर डर्बीशायर ने जो टारगेट दिया था 151 रनों का, वो आसानी से हासिल कर लिया था। अब ख़ास बात यह है कि ये जो मैच है भारत और नॉर्थम्पटन शायर का, जिसकी शुरुआत 3 जुलाई को शाम 7 बजे होगी, उसका टेलीकास्ट कहाँ पर होगा? तो दरअसल इसका जो टेलीकास्ट है वो टीवी पर नहीं होगा, फैन कोड एप्लीकेशन है वहाँ पर इसका टेलीकास्ट होगा, और साथ ही साथ नॉर्थम्पटन शायर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप भारत और नॉर्थम्पटन शायर के बीच जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, जो दूसरा भारत का प्रैक्टिस मैच है, वो आप लाइव देख सकते हैं शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार, जो है शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होगी, और भारत को 7 जुलाई से जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी है उससे पहले भारत प्रैक्टिस करना चाहता है इंग्लैंड की कंडीशन में कि इंग्लैंड की कंडीशन कैसी रहती है, और इसीलिए काउंटी टीमों से जो है भारत मैच खेल रहा है। पहला मैच भारत ने डर्बीशायर से खेला था और वहां पर भारत ने जीत हासिल की, और अब दूसरा मैच आज नॉर्थम्पटन शायर से खेला जाएगा, जहां पर दिनेश कार्तिक एक बार फिर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंग्लैंड से जो सीरीज़ होना है 3 मैचों की, वहां पर काफ़ी सीनियर प्लेयर्स जो है वापसी करेंगे। रोहित शर्मा आपको 3 मैचों में कप्तानी करते नजर आएंगे, वहीं दूसरे मैच से विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, बुमराह, पंत समेत जो बाकी टेस्ट स्क्वाड के जो प्लेयर्स हैं वो भी जुड़ेंगे। तो देखना होगा कि भारत की प्लेइंग 11 उस दौरे पर, यानी कि जो दौरा 7 जुलाई से शुरू होगा भारत का, वहां पर क्या होगी, क्योंकि फिलहाल तो भारत का जो स्क्वाड है वहां पर आयरलैंड का जो पूरा स्क्वाड था वही स्क्वाड भारत का जो खेल रहा है वार्म अप मैचेस में। अब देखते हैं कि किसका सिलेक्शन होता है, क्योंकि यहां की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगी। तो अब आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, इस प्रैक्टिस मैच में भारत जीतेगा या फिर नॉर्थम्पटन शायर, और क्या दीपक हुड्डा एक बार फिर चमकेंगे या फिर दिनेश कार्तिक एक उम्दा पारी खेलेंगे, कप्तानी पारी खेलेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।